बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब फ्रेंड ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है, मेरे देखना जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स से दुआ के साथ करते हैं वीडियो का आगाज़। तो जो फ्रेंड नए आ रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले, तो आप लोग वीडियो को देखेगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलती हूँ वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो है अपने शाम का खाने का इंतजाम करें। मैं और अम्मी जो है सब्जी बना रहे हैं, हमने आज अरबी बनानी है तो अरबी लेके आए हैं। और हमारी जो बच्ची ना मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको ना आज हो गया है ताप। और ये जो मेरी भांजी मेरे पीछे बैठी, इसको आज बुखार हो गया, इसकी शक्ल देखें। हीरा क्या हुआ तुम्हें? उधर उधर मुका के बोल, उधर मुका बोल, क्यों हुआ? बाहर बाहर नहीं कहना का बुखार। चल हीरा क्यों हुआ तेन? तो की खाना हूं तू? दवाई। हाँ तेरी दाई भी खा ली गया है, की कहना से किन्ना बुखार आ। तो फ्रेंड्स मैं आज शाम का खाने का इंतजाम कर रही हूँ, बनाने लगे हैं सब्जी, घर भी बना सब ठीक नहीं करते क्या? क्या हाल सब ठीक ठाक हैं? क्या हाल है सब ठीक ठाक है? अच्छा रे माँ क्या कर रहे हो तुम? रोटी पका रहा हूँ। कहाँ पर रोटियाँ पका रहे हो? किसकी रोटियाँ पका रहे हो तुम? फ्रेंड्स मैंने हांडी का मसाला जो बना लिया, सब्जी अभी तक नहीं बनी इसलिए मैं आटा गूंदने लगी हूँ। उसके बाद जो है मैं जो हांडी ऊपर रख दूंगी, बाकी जो है आप लोग आगे देख ही लेंगे। ठीक है तो चलती हूँ मैं अब आटा ले आऊँ जल्दी से। मसाला मैंने अपना बना लिया है तो देख लें आप। फ्रेंड्स आटा मैं निकाल लेके ले आई हूँ मच्छी से, आप मैं लगी हूँ गूंदने। तो आपको देखो मैं शहरों में तो लेकर देखा आप लोगों ने, हाँ आटा गूंदने वाली मशीनें आ चुकी हैं, तो लेकिन हम लोग गाँव का आटा हाथ से गूंदते हैं। और इसमें इनके और मैं एक चीज़ और इसमें ना इनके शामिल करूँगी, वो आपको दिखाऊंगी तो देखिएगा। ठीक है अब मैं पानी वगैरह अपना सब कुछ रख गई थी और अम्मी जो है सब्जी बना रही हैं, अभी टाइम लग जाएगा। तो बिस्मिल्लाह मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ। ठीक है चलो ठीक है, पहले मैं छान लेती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत वो आटे का ना वो बुरा सा निकल आता है ना, इसलिए छानना ज़रूरी होता है। तो पहले से छान लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको गूंदूँगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट से बताना है कौन कौन आटा हाथ से गूंद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं जो है आटा गूंदने लगी हूँ, अब मैंने पानी इसमें डाल लिया, अब जल्दी से गूंद लूँगी मैं आटा, उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटियाँ तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग एक बात बताती चलूँ कि सभी फ्रेंड इनके सभी को ये काम करने आती जो मैं कर रही हूँ, सभी लोग यही काम करते हैं, खाना खाने के लिए बनाते ज़रूर हैं, लेकिन मैं ना आपको दिखा रही हूँ अपनी रूटीन, अपनी इवनिंग यानी जो मैं काम करती हूँ दिन के सारे काम जो वो मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने इस हिसाब से काम करती हूँ। ठीक है सभी लोग यही करते हैं, सभी को खाना बनाना आता है, सभी खाना बनाते हैं। कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं ना मुझे वीडियो के नीचे कि फजूल की वीडियो बना रही है, हमें भी ये काम करना आता है, तो करना सभी को आता है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं तो आप लोगों को अपनी रूटीन बता रही हूँ, अपना काम मैं तो अपनी रूटीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ कि मैं दिन में के इस हिसाब से ऐसे काम करती हूँ। ब्लॉग का मतलब आप लोगों को पता यही है, ब्लॉग का मतलब कि अपनी रूटीन शेयर करें, अपनी लाइफ शेयर करें कि आप लोग दिन में क्या करते हैं, रात को क्या खाते हो, दिन में क्या खाते हो, कहाँ सोते हो, कहाँ बैठते हो। तो बट मैं जो है अपनी सोने की जगह चेंज कर चुकी हूँ, मैं तो रात को अब रूम में सोती हूँ क्योंकि रात को ठंड हो जाती है बाहर इसलिए। तो लेकिन बाकी का जो काम है वो अक्सर शेयर करूँगी, शाम टाइम में ये काम करते हैं अपन, जो कि मेरे जुम्मे लगे हैं वो मैं काम करती हूँ, जो कि मेरे काम है, मतलब सभी करने ये काम करते हैं लेकिन मेरे काम कुछ अलग ही हैं आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आटा जो है पूरी तरह तैयार हो गया, उसमें नमक डाली क्योंकि कनक का आटा, इसमें नमक डालना बहुत ज़रूरी क्योंकि आपको पता लोग ज़्यादा बाजार का आटा खाते हैं, उसमें नमक ना भी हो तो चलता है, लेकिन हमारा आटा जो कनक है उसमें नमक लाजमी हो तो फिर ही रोटियाँ बनती वरना नहीं बनती। तो फ्रेंड्स अब मैं हांडी ऊपर रख चुकी हूँ अपनी क्योंकि शाम काफ़ी हो गई है, टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब जल्दी जल्दी बना लूँ हांडी और उसके बाद जो है मैं ना करूँगी दूसरा काम अपना। तो फ्रेंड्स मैंने ना अभी आग चलाई, मेरी आग जल नहीं रही तो मैंने कोई छापर ढूंढ के ले आऊँ क्योंकि आग नहीं चल रही, इसलिए ना ये देखिए छापर लगाया था एक वो भी बुझ गया। तो
तो फ्रेंड जो पाथियाँ हमारी गीली थी वो सूखने के लिए हमने छत पे डाल दी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ आगे आगे कैमरा करके, सारी छत पे इतनी ज़्यादा पाथियाँ हमारी जो गीली हुई थी, शायद डेयरी पे आपको नजर आए, खुली देख लें, ये देखिए कितनी ज़्यादा हमारी पाथियाँ जो कि वो गीली हो गई थी बारिश से ना। तो फ्रेंड देख लिया आप लोगों ने हमारी कितनी पाथियाँ जो गीली हो गई थी वो सूखने हमने यहाँ पर डाली हुई है हम सांव की छत पर चाचा के घर पर। तो फ्रेंड्स हांडी मैंने ऊपर रख ली चूल्हे पे पकने के लिए, साथ में रोटियां बना रही हूँ। आज अंधेरा हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेट होगी क्योंकि मगरब का टाइम हो गया है, क्योंकि आज ज़रा कपड़े धो रहे थे इसलिए टाइम नहीं लग। तो फ्रेंड ये थी मेरी यानी कि शेयर कर रही हूँ कि मैं ये काम करती हूँ, ये काम मैं करती हूँ, यानी कि अपने शाम टाइम नाश्ता वगैरह जो खाना वगैरह शाम को बनाती हूँ आपसे शेयर कर रही थी और आप लोगों को दिखा रही थी। फ्रेंड ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज की, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात है कल नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।